हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिकर्शन की, रिकर्शन इन डेटा स्ट्रक्चर्स। बेसिकली हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमने लूप्स यूज़ किए हैं, बट अगर हमें लूप ना यूज़ करना है तो उसका क्या कोई अल्टरनेटिव वे हमारे पास अवेलेबल है, और अगर है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले रिकर्शन होता क्या है। बेसिकली रिकर्शन की बहुत सारे डेफिनेशंस आप सुनेंगे, उसमें से कुछ डेफिनेशंस जो यूजुअली यूज होती है वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है। पहला है फंक्शन कॉल इट्सेल्फ, ठीक है, फंक्शन ही फंक्शन को कॉल करे। जैसे हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है सम नाम का, और उसकी जो डेफिनेशन हमने लिखी उसी में ही हमने सम नाम के फंक्शन को अगेन कॉल किया है। वैसे यूजुअली हम वॉइड मेन में सम को कॉल करते हैं और फिर उसकी डेफिनेशन पर पहुँच जाते हैं, ठीक, दैट इज़ कॉल्ड रिकर्शन। इट इज़ अ रिपीटेड ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, किसी भी इवेंट का रिपीटेशन होना क्या कहलाता है रिकर्शन। लूपिंग विदाउट अ लूप स्टेटमेंट भी बोलते हैं। लूपिंग हो रही है क्यों? क्योंकि हम किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को बार 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 कॉल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन तक। अगर उस सिचुएशन को हम रिच कर जाते हैं तो हमारी वैल्यूज रिटर्न हो जाती है, नहीं तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता रहता है, ठीक है। ये ऐसा हम रिकर्शन में देखेंगे। तो ये एक तरह का लूप है बट विदाउट लूप स्टेटमेंट्स। फंक्शन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट्स ओन डेफिनेशन, फंक्शन का ऐसा पार्ट जहाँ पे उसकी खुद की डेफिनेशन लिखी गई है वहीं उसकी कॉलिंग परफॉर्म करनी है हमें। रिकर्शन मस्ट बी टर्मिनेटेड कंडीशन, अदरवाइज इट मस्ट गो फॉर एवर। रिकर्शन में एक टर्मिनेट कंडीशन होनी चाहिए एज यूजल, बिकॉज ये एक तरह का लूप है तो लूप में भी टर्मिनेशन कंडीशन होती है, नहीं तो फिर ये इनफाइनाइट टाइम्स तक रन होता रहेगा, ठीक है। पासिंग पैरामीटर ईच टाइम मस्ट बी डिफरेंट, जब भी इसमें पैरामीटर पास हो तो उनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, चेंजेबल होनी चाहिए, सेम वैल्यूज पास नहीं होती रहनी चाहिए। इट इज़ शॉर्टर एंड ईजियर देन इटरेटिव कोड, ये छोटे और अच्छे को ईजी कोड्स कहलाते हैं, कब, जब हमको इटरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इतने सारे तरीकों से या इन सारे रूल्स को फॉलो करके हम कोई भी रिकर्शन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या रिकर्शन नेसेसरी कंडीशन है, इज रिकर्शन इज नेसेसरी, तो देखते हैं। चलिए, बेसिकली द अल्टरनेटिव वे ऑफ रिकर्शन इज लूप, सो वाइस वर्सा इज पॉसिबल। अगर रिकर्शन नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको लूप तो लगाना ही होगा, और अगर लूप है तो आपको रिकर्शन यूज़ करना है तो आपको लूप हटा के रिकर्शन यूज़ करना होगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय लूप एंड रिकर्शन बोथ, कोई सी भी प्रॉब्लम हो जो लूप से सॉल्व की जा सकती है वो रिकर्शन से भी सॉल्व की जा सकती है। अगर हम मैट्रिक्स की, एरे की, म्यूटेबिलिटी की, इन सब की बात करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं लूप्स को। हमने यही पढ़ा है, मैट्रिक्स के जितने भी प्रोग्राम्स हमने पढ़े उन सब में हमने लूप्स की बात करी। अब अगर हम ट्री की, लिंक लिस्ट की, ऐसी सब बातें करेंगे तो हम किसकी हेल्प लेंगे, रिकर्शन की। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम मैथड का सिलेक्शन करते हैं कि कहाँ पर हमें रिकर्शन प्रेफर करना है और कहाँ पर हमें लूप्स प्रेफर करना है। सो अकॉर्डिंग टू टाइम और सिचुएशन वी अडॉप्ट लूप्स और रिकर्शन, जैसी ज़रूरत होगी वैसा हम यूज़ कर लेंगे। कुछ टाइप्स होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक टाइप्स हैं हमारे पास अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए। जैसे दो टाइप हैं, सिंगल रिकर्शन एंड मल्टीपल रिकर्शन। सिंगल रिकर्शन मतलब इट कंटेन्स ओनली सेल्फ रेफरेंस, एक कोई प्रोग्राम है उसमें सपोज हमने सम नाम का कोई फंक्शन बनाया तो सम में ही हमने अगेन सम को कॉल कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल रिकर्शन। और फैक्टोरियल फंक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल रिकर्शन। मल्टीपल रिकर्शन दैट मीन्स इट कंटेन्स मल्टीपल सेल्फ रेफरेंस, सम फंक्शन ने सम को ही कॉल किया है बट मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा है तो ये क्या कहलाता है, इट कंटेन्स मल्टीपल सेल्फ रेफरेंस। एग्जाम्पल इज द फिबोनाची सीरीज, ठीक है। अब एक और टाइप से इसका डिवाइडेशन किया गया है, डायरेक्ट रिकर्शन एंड इनडायरेक्ट रिकर्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट रिकर्शन की। फंक्शन कॉल इट्सेल्फ, जैसा हमने सिंगल रिकर्शन देखा था, ठीक, फैक्टोरियल एग्जाम्पल था। तो देखिए, फैक्ट नाम का फंक्शन है हमारे पास अवेलेबल और फैक्ट ही कॉल किया गया है, ठीक, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिकर्शन। इनडायरेक्ट रिकर्शन ऐसा बोलता है, कोई एक फंक्शन है फर्स्ट नाम का, फर्स्ट फंक्शन कॉल सेकेंड फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन कॉल अगेन फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इनडायरेक्ट नाम का कोई फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, उसका कोड हमने ऐसा कुछ लिखा है, और फिर डायरेक्ट नाम का देखिए एक और फंक्शन मैंने कॉल किया है। डायरेक्ट में जाती हूँ तो मैंने वैल्यू रिटर्न कहाँ से करवाई है, इनडायरेक्ट से करवाई है। तो ये किस टाइप का रिकर्शन होता है,
इनडायरेक्ट रिकर्शन, और भी टाइप है रिकर्शंस के जो हम आगे देखते जाएंगे, मैंने आपको दो टाइप बता दिए, ठीक है। अब ये कोई प्रोग्राम है हमारे पास, किसका, एक रिकर्शन नाम का फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, और फिर अगेन वही रिकर्शन कॉल हो रहा है, ठीक। कोई भी एक सिंपल प्रोग्राम हम अगर रिकर्शन का देखना चाहते हैं तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, एक ए और एन नाम का वेरिएबल ले लिया है, रिकर्शन कॉल किया है 5 वैल्यू के साथ, प्रिंट करवा दिया है। बट जैसे ही 5 के पास कॉलिंग जाएगी तो वो किसको ढूंढेगा, डेफिनेशन को। डेफिनेशन को ढूंढा तो उसने क्या करा है, बी में 5 की वैल्यू भेज दी, कॉपी कर दी है। क्या बी इक्वल्स टू 1 है, नहीं, तो रिटर्न किया है, और एल्स में क्या किया है, रिकर्शन को अगेन कॉल किया है, बट अब की बार बी की वैल्यू कैसी हो रही है, -1। तो देखिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि रिकर्शन की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहनी चाहिए ना, रिकर्शन मस्ट बी टर्मिनेटेड कंडीशन, अदरवाइज इट मस्ट गो फॉर एवर। तो रिकर्शन की एक टर्मिनेटेशन कंडीशन होनी चाहिए, तो क्या है हमारे पास, जब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और उसके अलावा एक और पॉइंट हमने पढ़ा है, पैरामीटर पासिंग पासिंग पैरामीटर ईच टाइम मस्ट बी डिफरेंट, जब भी रिकर्शन कॉल हो तो पासिंग पैरामीटर कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो देखिए पहली बार में जब रिकर्शन कॉल हुआ तो पासिंग पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पर क्या पास हुई, बी में 5, जब फिर इसके थ्रू कॉल हुआ होगा तो 5-1 4, फिर 4-1 3। तो ऐसे पासिंग पैरामीटर की वैल्यू कैसी हो रही है, चेंज हो रही है, यही हम चाहते थे। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है रिकर्शन का, जिसकी हेल्प से आप इसको अपने ऑनलाइन कंपाइलर पर रन करके देखिएगा, जिसकी हेल्प से हम विदाउट लूप अगेन अगेन अपने ही सेम प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर कंडीशन तक कॉल कर सकते हो। और रिकर्शन बोलता यही है कि मैं कॉलिंग परफॉर्म करवाऊंगा विदाउट लूप और सेल्फ रेफरेंसिंग के थ्रू, मतलब मैं खुद ही से खुद को कॉल करूंगा। एक फंक्शन बनाया रिकर्शन, वही खुद ही खुद को कॉल कर रहा है। ये है बेसिक्स ऑफ रिकर्शन। पहले हम रिकर्शन का एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद मैं और टाइप के रिकर्शन आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टाइप के रिकर्शन हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहें तो आपको स्क्रीन पे जो प्रोग्राम दिख रहा है उसे अपने ऑनलाइन अपने कंपाइलर पे, जो भी आपका प्रेफरेबल कंपाइलर है, ये सी का कोड है, उस पर आप रन करके देख सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।